बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। इसकी जानकारी अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। ऋषि कपूर के निधन की खबर आने के बाद से ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। सिनेमा जगत ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लोग उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा के लिए खौफनाक हफ्ता बताया है। 29 अप्रैल को इरफान खान का निधन हुआ था और आज यह बुरी खबर आई। राहुल गांधी ने ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट में लिखा, भारतीय सिनेमा के लिए खौफनाक हफ्ता, एक और लेजेंड एक्टर ऋषि कपूर का निधन। शानदार एक्टर, सभी पीढ़ियों में जबरदस्त फैन फॉलोइंग, उनकी बहुत याद आएगी। दुख के इस समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के साथ है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं टूट चुका हूं। बता दें कि ऋषि कपूर को बीते दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि एक्टर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी।